least have been silent. Everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. Umeed karti hoon aap sab bahut badhiya ho, swasth ho, khush ho, and thank you for giving such wonderful feedback in the comment section. I read all these comments and it feels great seeing your feedback. So thank you for that. And guys, जो अपनी attendance mark नहीं करते हैं, please make sure that you mark your attendance by liking these lectures. Do let me know in the comment section, जो अभी भी feedback नहीं दे रहे हैं, जो comment session में नहीं बताते हैं, क्योंकि see comment session से I also used to get the names. मुझे पता है कि कौन session देखता है, कौन नहीं देख रहा है, और but basically connectivity भी बनी रहती है, as simple as that. ठीक है, तो डू शेयर दीज सेशंस ऑल्सो, अगर अच्छे लगते हैं तो वाई नॉट लेट अदर्स नो कि ये सेशंस आते हैं. टाइमिंग आपको पता है 7 बजे सेशन आ जाता है, सो लेट अदर्स नो अबाउट दीज लेक्चर्स ऑल्सो एंड दिस प्लेटफॉर्म एज वेल. ओके, सो दीज आर दी 4 आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर टूडे. प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट है. प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख, चाहे वो मलेरिया रिपोर्ट हो, बक्सा टाइगर रिजर्व हो, ह्यूमन राइट कमीशन हो, लेड आईटी 2.0 हो, ये क्या है, एवरी सिंगल आर्टिकल आपके प्रिलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सिर्फ बक्सा टाइगर रिजर्व को छोड़ दो, बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो आपके मेन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं. ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी प्रिलिम्स से सवाल आता है, बट मेन्स से भी आ सकता है, इसके फंक्शन, इसके पावर्स, इसके ऑब्जेक्टिव से, राइट. फैक्चुअल चीजें जो हैं, स्टैट्यूटरी है या फिर कितने मेंबर्स हैं, कैसे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, कौन कौन है, कोई कमेटी है क्या जो मेंबर्स को इलेक्ट करती है, सो ये सारी बातें आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. स्टैटिक बनता है ये टॉपिक, बाकी सारे आर्टिकल्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होते ही जाएंगे. एज फार एज मलेरिया रिपोर्ट इज कंसर्न, 2023 वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट GS पेपर 2 में इजिली लिंक कर सकते हो इसको हेल्थ डोमेन से. ये आपके प्रिलिम से लिंक हो गया, ये आपके GS पेपर 2 से लिंक होता है, एंड दिस लिंक्स विद योर GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3 एज वेल. तो ये जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है, GS पेपर 2 में हेल्थ से तो लिंक होता है, अब मेन्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है मलेरिया के बारे में पढ़ता हो, राइट. इंडिया में जो इस डिसीज का बर्डन है वो अभी ये रिपोर्ट भी हाईलाइट करेगी, इंडियन सिनारियो, तो वो आपको पता होना चाहिए. अच्छा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं टू इंश्योर गुड हेल्थ आउटकम्स, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो चाहे वो इंडियन लेवल पे हो, ये इंपॉर्टेंट है, राइट. गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स ही आ गया फिर इसमें इंडियन लेवल पे. तो सो दीज ऑल आर दी आर्टिकल्स पॉइंट्स, बेसिकली टैग्स यू कैन से, जो आपके वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट से लिंक करते हैं. देन बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है, मैप में देखना अगल बगल और आसपास कौन से हैं, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ये सब पता होना चाहिए. यहाँ कैसा वेजिटेशन पाया जाता है, कौन सी रिवर इससे एसोसिएटेड है, यहाँ का इकोसिस्टम कैसा है. अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा हो तो जितने भी 5-7 साल के, तो आपको पता होगा कैसे सवाल आते हैं. देन यू हैव नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड लेड आईटी 2.0. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी. शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. एनजीटी हैज टेकन सुमोटो कॉग्निसेंस ऑफ अ रिपोर्ट ऑन द मोइंग डाउन ऑफ 3 एलिफेंट्स बाय अ गुड स्ट्रेन एट बक्सा टाइगर रिजर्व. सो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू बक्सा एलिफेंट ट्रेजेडी. हमारे लिए इंपॉर्टेंट पड़ता है यहां पर प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में जानना, क्योंकि एज फार एज एलिफेंट्स प्रोजेक्ट, एलिफेंट हो, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो, और ये सब जो आपका डेवलपमेंट साइड के साथ आप इसको लिंक कर सकते हो, तो ये सारी बातें मैं बहुत बार, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इसको क्लियर किया था, काफी नंबर ऑफ पॉइंट्स भी दिए थे, राइट. तो जो कि आप लिख सकते हो. अब रही बात बक्सा टाइगर रिजर्व की, सो हियर यू कैन सी दिस इज योर बक्सा टाइगर रिजर्व, अ प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, राइट. सो इट्स सिचुएटेड इन अलीपुरद्वार सब डिविजन ऑफ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट. मैं अभी ये जो टर्म्स आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम बता रही हूँ अभी आपको दिखा दूंगी, सब कुछ पता चल जाएगा, डोंट वरी. सो पहले तो आप इसको मैप में देखो. सो दिस रिजर्व शेयर इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री विद भूटान, है ना, ऊपर भूटान लगता है,
और अगर आप आगे देखो तो यू एंटर इनटू आसाम एंड देन यू हैव मानस, ओरेंग, राइट? तो ये सारी चीजें, फिर आपको काजीरंगा पड़ता है, थोड़ा ऊपर नॉर्थ में जाओ तो इधर पक्के टाइगर रिजर्व और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री हो जाती है, नामदफा इधर है, और इधर अगर चलो तो इधर वाल्मीकि, दूधवा, पीलीभीत, कॉर्बेट, तो ये आपको अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। ये जो रिजर्व है ना, इट इज इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट, इट इज हाउसिंग द डेलिकेट तराई इकोसिस्टम। ज्योग्राफी, सारी बात यहाँ पर ज्योग्राफी की है, राइट? सो बक्सा टाइगर रिजर्व, अब इधर देखो भूटान के साथ भी लगता है, तो इंटरनेशनल कॉरिडोर बन जाता है फॉर द माइग्रेशन ऑफ एलिफेंट्स बिटवीन इंडिया एंड भूटान, है कि नहीं? मैप से पता चल रहा है। सो इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स अक्रॉस द बॉर्डर। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। लोकेशन मैंने आपको मैप में दिखा दी, ये आप यहां से याद कर सकते हो। इट लाइज इन अलीपुरद्वार सब डिविजन ऑफ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस नॉर्दर्न बाउंड्री जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है भूटान के साथ। अच्छा, कौन सी हिल लाइक करती है ऑल अलोंग द नॉर्दर्न साइड ऑफ बीटिया? दैट इज सिंचुअल हिल रेंजेस। तो सिंचुअल हिल रेंज जो है वो लाइक करती है, और असम स्टेट से तो इधर ईस्टर्न साइड पे टच होता ही है। इसको बक्सा टाइगर रिजर्व को नाम मिला है फ्रॉम द बक्सा फोर्ट। इट द फ्रेजाइल तेराई इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ दिस रिजर्व एंड एलिफेंट माइग्रेशन जो है वो भी यहां से होती है बिटवीन इंडिया एंड भूटान। दो रिवर्स हैं, रिवर रायदक एंड रिवर जयंती, जो कि फ्लो करती है इस पर्टिकुलर रिजर्व से। इंपॉर्टेंट नाम है, याद में रख लेना। वेजिटेशन की बात करें तो यहां पर आपको मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है? सॉल, सिमुल, ये सारी इंपॉर्टेंट फ्लोरा की स्पीशीज हैं, और फना के अंदर टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, चाइनीज पैंगोलिन सवाल बन सकता है यहाँ से, राइट? तो ये सारी स्पीशीज आपको प्लांट्स और एनिमल्स की इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में देखने को मिलेंगी। होमवर्क आपके लिए यही है, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल घूमना है, और वेस्ट बंगाल के साथ आप बॉर्डर पे जा रहे हो, असम भी लगता है, तो असम और वेस्ट बंगाल थोड़ा घूम के आना, और वहां पर जितने भी ये इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो अपने मैप में लोकेट करने हैं आपको। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपने सोचा यहाँ मैंने पढ़ लिया बात खत्म हो गई, तो नहीं, यहाँ बात खत्म नहीं होती, यहाँ से बात शुरू होती है। अब आपको मैप में जाकर इसको मैप भी बोलोगे हमने मैप में यहाँ लोकेट कर लिया, नहीं, वो आता है ना 2-3 रुपए का मैप, उसमें लोकेट करो, एटलेस में जाके खुद से देखो। ऐसे जब तक नहीं करोगे, 2-3 मिनट खुद से नहीं दोगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप अपने एंड से भी करो। स्पून फीडिंग पे मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आप कंप्लीटली रिलाय हो जाते हो स्पून फीडिंग पे, वो एक गंदी आदत है ना, तो खुद से करने की आदत भी डालो। हार्डवर्क से नहीं डरो, बाकी तो फिर आप समझदार हो। अच्छा, उसके बाद इंडिया एंड स्वीडन लॉन्च लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लेड आईटी 2.0 ड्यूरिंग COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट होस्टेड इन दुबई। सो व्हाट इज इट? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। सिंस इट्स इंसेप्शन, सी, इट इज अ कोलेबोरेटिव एफर्ट दैट स्टार्टेड इन 2019 एंड इट हैज ग्रोन टू इंक्लूड 18 कंट्रीज एंड 20 लीडिंग कंपनी। सो इट इज ग्रोन इन टू अ कोलेबोरेटिव एफर्ट दैट इन्वॉल्व हाउ मेनी कंट्रीज? 18 एंड 20 इंडस्ट्री लीडिंग कंपनीज फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। पहले इनिशियली इट फोकस ऑन क्रूशियल सेक्टर्स लाइक आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम। सो इट एम्फेसाइज द ट्रांजिशन ऑफ इंडस्ट्रीज किस तरफ? टू मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। हम हमेशा इसी की ही बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो बहुत हमने एमिशन कर लिए हैं। अब बात आती है ऐसे ट्रांजिशन की कि जब आपकी प्रैक्टिसेस एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो। सो द मेन गोल ऑफ दिस लिड आईटी इज टू शेयर द नॉलेज, नॉलेज शेयरिंग टू एक्सिलरेट कि यू एडॉप्ट द लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। ऐसा करने से इट एम्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्लोबल एनवायरमेंटल गोल्स जो आपके हैं, राइट? सो इट्स प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन मेकिंग इंडस्ट्रीज मोर सस्टेनेबल एंड रिड्यूसिंग देयर इंपैक्ट ऑन द क्लाइमेट, ठीक है? नाउ देयर आर थ्री कोर एरियाज ऑफ इट, 1, 2 एंड 3, लेट्स टॉक अबाउट इट। इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन फर्स्ट, इसका मतलब यू आर मेकिंग श्योर जैसे दैट एज इंडस्ट्रीज चेंज
टू बी मोर इको फ्रेंडली, द प्रोसेस इज फेयर. देखो एक होता है ट्रांजिशन और एक होता है उस ट्रांजिशन में भी जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो दैट प्रोसेस इज फेयर. फेयर मीन्स इट इंक्लूड्स एवरीवन. सो व्हाइल यू आर एमिंग फॉर एफिशिएंसी यू आल्सो नीड टू इंश्योर कि वो ट्रांजिशन ऐसा नहीं हो कि आपने एक सर्टेन ग्रुप को एक्सक्लूड कर दिया, पीछे छोड़ दिया. नहीं, जॉब की हम बात करें अगर जैसे कि राइट. सेकेंड पॉइंट इज लो कार्बन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर. So LIT IT is putting a lot of importance on creating, on sharing the technologies that don't produce a lot of carbon emissions. और बहुत crucial भी है for industries कि ऐसे sustainable practices को वो adopt करें और reduce करें अपना impact on the environment. Right? So this involves like emerging economy. Third, you see, emerging economy technology transfer. इसके अंदर it involves helping those new and growing economies to get the access to these latest and most eco-friendly technologies. तो इसका मतलब economy technology transfer मतलब it's about making sure that innovative solutions जो भी हैं that spread to these places. हर कोई, right? Then you have your next article related to National Human Rights Commission. क्यों न्यूज में है? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अपॉइंटेड 7 पीपल इंक्लूडिंग अ फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एज स्पेशल मॉनिटर्स ऑफ NHRC. स्पेशल मॉनिटर्स मीन दे आर टास्क्ड विद ओवरसीइंग रिपोर्टिंग ऑन ह्यूमन राइट्स इश्यूज ऑन इन सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज हो गया. सो इनका रोल क्या है? इट इन्वॉल्व्स कीपिंग अ क्लोज आई ऑन ह्यूमन राइट्स सिचुएशन, ensuring ki rights are being protected, providing valuable insights to the NHRC to address any concern or violation. Right? So I'll talk about NHRC kyunki ye aapke exam ke liye important hai. Prelims ke liye to bahut hi important hai. National Human Rights Commission. Dekho, main aapse ek ummeed karti hu ki aap previous year papers kar chuke ho. अगर अभी तक नहीं किए हैं प्लीज मेक श्योर कि आप ये कर लो, क्योंकि अगर ये पूरा आर्टिकल भी है ना, इसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है कि सवाल कहाँ से बन सकता है, मैं एक्स्ट्रा फोकस कहाँ डालूं, वो आपको PYQ से ही पता चलेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. एक जनरल क्वेश्चन रहता है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दो, अभी नहीं रहेगा. आप देखना एग्जाम आने से 2 महीने पहले बच्चे शुरू हो जाते हैं कि एक तो कुछ याद नहीं आ रहा है और दूसरा अब जो कुछ है वो तो ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना, अच्छा ये आएगा, इसके आने के चांसेस बनते हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल रहता है हमारे मन में. और इस सवाल का सिंपल सा सोल्यूशन था कि भैया जब तैयारी कर रहे थे कितनी बार सेशंस में बोला था कि एक तो रिविजन कर लो और दूसरा PYQs देख लेते. अगर PYQs देख लिए होते तो फिर अब ये काम ना करना पड़ता. अगर आप चीजों को साथ साथ कवर करते जाओगे ना फिर टेंशन नहीं है. सारी चीजें एंड के लिए छोड़ दोगे फिर टेंशन ही टेंशन है. अभी नहीं होगी वो लास्ट में होगी फिर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एज फार एज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज कंसर्न, मैप आर्टिकल्स आर कंसर्न, अब लास्ट में जाके एक लिस्ट बना रहे हैं GI टैग्स की. जब साथ साथ करवा रही थी तब क्यों नहीं लिखे? अब लास्ट में जाके ढूंढ रहे हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज या इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स इन न्यूज या कितने टाइगर रिजर्व सारे याद नहीं हो रहे, XYZ जो भी है. स्मार्ट वर्क ये कहता है जो जो टाइगर रिजर्व न्यूज के अंदर आए हैं एटलीस्ट वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए. ठीक है, आप लगे पड़े सारे टाइगर रिजर्व करने में, क्या पता जो न्यूज से ही सारे कवर हो जाते हैं. पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट वो है जो न्यूज में आया. तो ये करंट और स्टैटिक को लिंक करना है. ठीक है, चलिए NHRC पे चलते हैं. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इट्स लाइक अ गार्डियन फॉर ह्यूमन राइट्स. इट वॉज क्रिएटेड इन 1993. स्टैट्यूटरी बॉडी है तो एक्ट कौन सा है दैट इट वॉज क्रिएटेड अंडर? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993. सो इट्स लाइक अ वॉच डॉग. So it's a watchdog of human rights. It was established in conformity with Paris Principles 1991. So following the international principles, especially the Paris Principle, NHRC is set up to ensure ki jo human rights hain, they are being respected, they are being protected. So iske important main objectives mein ye do hai. Pehla,
इट मेक श्योर दैट देर आर स्ट्रॉन्ग सिस्टम इन प्लेस. किस लिए? टू डील विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन अ फोकस्ड मैनर. इसका मतलब कि यू शुड हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्रोसेस टू हैंडल ह्यूमन राइट्स इश्यूज. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन दोज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, राइट. देन यू हैव एड्रेसिंग द एलिगेशंस ऑफ एक्सेस. सी, एनएचआरसी हैज द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स, टू लुक इन टू द एलिगेशंस, कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट वायोलेशंस इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट. सो दिस इंडिपेंडेंस इज क्रूशियल इन इंश्योरिंग कि जो केसेस हैं ऑफ एक्सेस और अब्यूजेस आर लुक्ड इनटू थरली, राइट. इट एक्ट्स एज अ चेक टू मेक श्योर कि एवरीवन्स राइट्स आर बीइंग रिस्पेक्टेड, और अगर कोई प्रॉब्लम है दे आर एड्रेस वेरी सीरियसली एंड दैट टू इम्पार्शियली. ठीक है, तो फिर इसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है? सो एनएचआरसी इज लेड बाय अ चेयरपर्सन, और वो कौन होते हैं? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड सीजेआई ऑफ इंडिया जो भी हो, इज एलिजिबल टू बी द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी. और चेयरपर्सन के साथ साथ देर आर 8 अदर मेंबर्स, जिसमें से 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं और 4 डीम्ड मेंबर्स हैं. दे आर देयर फॉर द स्पेशल पर्पस ऑफ एनएचआरसी ओनली. ठीक है, अब फुल टाइम मेंबर्स का कॉम्पोजिशन क्या है, एक एक करके सारी बातें कवर कर लेते हैं. अमंग द फुल टाइम मेंबर्स, वन मेंबर मस्ट बी वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड होंगे वो तो चेयरपर्सन होंगे, एक बात. दूसरी बात, एक मेंबर जो है वो या तो वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो या वर्किंग जज हो. और दूसरा, एक और मेंबर, टोटल 4 चाहिए ना, पहला हो गया. दूसरा जो मेंबर है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या तो हाई कोर्ट के या तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या वो वर्किंग हो. तीसरा, थर्ड एंड फोर्थ, बाकी 2 मेंबर्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स. डीम्ड मेंबर्स में द 4 डीम्ड मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी आर द चेयरपर्सन्स ऑफ स्पेसिफिक नेशनल कमीशंस. तो ये 4 नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ SC ST, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज. तो इनके जो भी चेयरपर्सन है वो चारों के चारों दे आर द 4 डीम्ड मेंबर्स. ठीक है, अब ये होने चाहिए. अपॉइंट कैसे करोगे? अपॉइंटमेंट के लिए चेयरपर्सन के भी और मेंबर्स के भी, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट है. प्रेसिडेंट ठीक है, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होगी? 6 मेंबर कमेटी की. पहले होंगे प्राइम मिनिस्टर, दूसरे होंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर, राइट, 1, 2, 3, 4, 5, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दोनों इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, सो ये हो गया आपके अपॉइंटमेंट कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आता है टर्म, यहीं पर याद करते जाओ चीजों को, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, फिर रह जाएगा आपका, जो पता है. टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, जो चेयरपर्सन है, जो मेंबर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक टर्म ऑफ 3 ईयर्स और अंटिल दे अचीव द एज ऑफ 70, विच एवर कम्स अर्लियर. दिस मीन्स दे कैन सर्व फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स और अंटिल दे टर्न 70, विच एवर हैपन्स फर्स्ट. अच्छा, रीअपॉइंटमेंट है, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कैन बी कंसिडर्ड फॉर रीअपॉइंटमेंट? Yes, if they are eligible and they are willing to continue, eligible for reappointment. Sorted? ये आपके means के लिए important है. इसके functions क्या हैं और इसके पास क्या क्या powers हैं? NHRC, ये सारी बातें जो है ना, ये मैं आपको एक एक करके, मतलब ऐसे lines read नहीं करूंगी, मैं आपको बता देती हूँ. पहला, to investigate complaints. They can look into the complaints of human rights violation. Either on its own initiative or अगर किसी ने कोई petition डाल दी on behalf of the victim. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, intervene in legal proceedings. NHRC can get involved in legal cases that are related to human rights violation. इसका मतलब ये कि they can step in and they can provide input, assistance in the legal matters जहां पर human rights are at stake. मैं एक एक बात बहुत ही simple layman terms में बता रही हूं. तीसरा, they can visit detention facilities. मतलब NHRC has the authority to visit jails and any other place जहां पर government detains people.
दिस इज डन टू ऑब्जर्व कि जो लिविंग कंडीशंस हैं ऑफ दोज हु आर इन कस्टडी, टू ऑब्जर्व दैट एंड टू मेक श्योर कि अगर कोई रिकमेंडेशन दे नहीं रहे फॉर देयर इंप्रूवमेंट, फोकसिंग ऑन लाइक ट्रीटमेंट, रिफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन ऑफ डिटेनीज, तो वो सारी. फोर्थ, प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस टू एडुकेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी अबाउट ह्यूमन राइट्स, लेट देम नो अबाउट, दे शुड बी अवेयर, राइट. एंड फिफ्थ, NHRC studies international treaties and agreements also that are related to human rights. Based on their understanding, they can make recommendations as well. Right? Taki, to ensure ki jo international standards hai, they are effectively being implemented. Last but not the least, inki powers. Maine iska har ek aspect cover kar diya hai ab. Power. जब मैंने बताया इनका फंक्शन है दे कैन इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स, तो NHRC इज गिवन द सेम पावर एज सिविल कोर्ट हैंडलिंग अ लॉ सूट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. NHRC हैज द पावर टू कॉल, टू कंपेल विटनेसेस टू अपियर एंड गिव टेस्टिमनी अंडर ओथ, समनिंग विटनेसेस, ठीक है. Then NHRC is empowered to provide compensation to the victims who have suffered. It may be due to police brutality. Then, if necessary, NHRC can approach High Court, Supreme Court, High Court to ensure the enforcement of human rights. They can approach. And last, NHRC has the authority to take suo motu cognizance of human rights violation. They can initiate the investigation on its own. Right? ये मैंने आपको बता दिया था. Then the last article of today's lecture, that is your 2023 World Malaria Report. पहला तो सवाल, जब भी रिपोर्ट आए तो ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, ठीक है. WHO के द्वारा ये रिलीज करी जाती है. इट शेड्स लाइट ऑन दी अलार्मिंग मलेरिया सिचुएशन इन इंडिया एंड ग्लोबली. इस रिपोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको दो मिनट में बताऊंगी. उससे पहले हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में. मलेरिया एक सीरियस और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है दैट इज कॉज्ड बाय अ टाइनी पैरासाइट दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम. ये टर्म याद रखनी है. और ये पैरासाइट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो दैट इज एनोफिलस मॉस्किटो. सोच लो इसका नाम ही, ठीक है. नाउ देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स दैट कैन कॉज मलेरिया इन ह्यूमंस, लेकिन उसमें से पी फैल्सिपैरम एंड पी वाइवेक्स आर द मोस्ट डेंजरस. मैं आपके साथ इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको याद हो, लिखना चाहो तो आप भी लिख सकते हो. पी फैल्सिपैरम, ये आपको आगे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एंड पी वाइवेक्स, विवेक्स, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इट एज, ठीक है. मोस्टली मलेरिया इज फाउंड इन वार्म रीजन्स, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया. और जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन, द मलेरिया पैरासाइट्स एंटर इन देयर ब्लड स्ट्रीम्स और वहां से दे ट्रेवल टू द लीवर एंड देन इन्फेक्ट द रेड ब्लड सेल्स. फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, हेडेक, फिटीग, राइट. सो दिस ऑल हैपन्स, क्लियर है. नाउ मूविंग अहेड, रिपोर्ट क्या कहती है. रिपोर्ट हाईलाइट करती है राइज इन मलेरिया केसेस वर्ल्ड वाइड. 2022 में ये नंबर पहुंच गया था 249 मिलियन केसेस. कोविड-19 को भी सरपास कर दिया, ऐसा लगा लो. चैलेंजेस टू मलेरिया रिस्पॉन्स, डिस्ट्रप्शंस कोज बाय कोविड-19 पैंडेमिक, ड्रग रेसिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये सारे के सारे पॉसिबल रीजंस हैं, चैलेंजेस हैं. Majority of the malaria cases are concentrated in 29 countries around the world. Majority की बात मतलब 95%. Four countries, Nigeria, Democratic Republic of Congo, Uganda, Mozambique, they are accounted for almost half of all the malaria cases globally. India की बात करूं तो 2022 में India had a significant share, 66% of all the malaria cases, India accounted for it. Southeast Asia की बात करें तो उसमें. मैंने प्लाज्मोडियम विवेक्स की बात करी थी, तो अ टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 46% ऑफ द केसेस इन द रीजन. सो दिस टाइप ऑफ पैरासाइट इज कॉमन कॉज ऑफ मलेरिया इन इंडिया. हालांकि देर इज 55% रिडक्शन
डिक्रीज इन द मलेरिया केसेस सिंस 2015, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया कॉन्टिन्यूज टू बी अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल मलेरिया बर्डन. तो इसके लिए सरकार को इनिशिएटिव्स बहुत स्ट्रांग लेने पड़ेंगे और मैं वो अभी आपके साथ शेयर करूंगी. राइट. अनसीजनल रेनफॉल की वजह से, अनयूजुअल वेदर कंडीशंस की वजह से, ये सारी कंडीशंस ना मॉस्किटोज के लिए बहुत फेवरेबल हो जाती है, दैट कैरी द मलेरिया पैरासाइट. ये चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़े 2023 में. इंडिया के साथ साथ इंडोनेशिया भी, इट अकाउंटेड फॉर 94% ऑफ ऑल द मलेरिया डेथ इन WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन. रीजनल इंपैक्ट की बात करूं तो अफ्रीका है दैट कैरीज द हाइएस्ट बर्डन ऑफ मलेरिया ग्लोबली, 94% ऑफ ऑल द केसेस एंड 95% ऑफ द ग्लोबल मलेरिया डेथ अफ्रीका. पिछले दो डेकेड में द WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन, जिसमें इंडिया भी आता है, इट हैज मैनेज टू कंट्रोल मलेरिया. 77% रिडक्शन देखने को मिली है. ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं. देखो, क्लाइमेट चेंज और मलेरिया को लिंक करो तो क्लाइमेट चेंज प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ड्राइविंग मलेरिया. और ये आप अपने कनेक्टिविटी, अपने आंसर्स में ला सकते हो जब आप क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हो और फिर मलेरिया के नंबर्स को कोट कर सकते हो वहां पर, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं दैट चेंजेस, इट मेक्स मलेरिया कॉजिंग पैथोजन टू कैरी इट मोर, मॉस्किटोज दैट कैरी इट मोर सेंसिटिव, मतलब उनके लिए होता है ना, जहां पर अगर आप कचरा करोगे तो मच्छर आएंगे, तो आप कंडीशन ऐसी ला रहे हो. क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द रीजन, इट बेसिकली इट्स नॉट अ रीजन, क्लाइमेट चेंज इज प्लेइंग अ रोल इन ड्राइविंग मलेरिया. राइट. द रिस्क दैट क्लाइमेट चेंज पोजेस टू द एफर्ट्स, आप एक तरफ मलेरिया कंट्रोल कर रहे हो, एक तरफ क्लाइमेट चेंज हो रहा है. राइट. सो देयर नीड्स टू बी सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. WHO ने एम किया है टू रिड्यूस मलेरिया इंसिडेंस एंड मोर्टैलिटी रेट्स बाय 75% इन 2025 एंड 90% इन 2030. ये फैक्ट याद रखना. हालांकि द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू मीट दीज गोल्स. देर इज अ गैप ऑफ 55% फॉर रिड्यूसिंग न्यू केसेस बाय 2025. ठीक है, फंडिंग गैप भी है. फिर उसके बाद, या मैं आपको वैसे बता रही हूँ, फंडिंग गैप भी है. फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च की, तो वहां पर भी लो रिसर्च फंडिंग है. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं काउंट होती हैं. ठीक है. फिर लास्ट, इनिशिएटिव्स दैट आर रिलेटेड टू मलेरिया. देखो, एक WHO ने इनिशिएटिव इनिशिएट किया था, E2025 प्रोग्राम, 2021 में ये प्रोग्राम आया था. नहीं, इसका टारगेट है ऑफ एंडिंग मलेरिया ट्रांसमिशन इन 25 कंट्रीज बाय 2025. E25 तभी रखा. नहीं, इंडिया की तरफ से जैसे WHO की स्ट्रेटजी है, उसी के अलाइन में नेशनल फ्रेमवर्क इंडिया का भी है टू एलिमिनेट मलेरिया थ्रू आउट द इंडिया बाय 2030. दैट वॉज फ्रॉम 2016 टू 2030 फ्रेमवर्क. We have many programs in place, right? So these all are the things जो आपको याद करनी चाहिए. अच्छा, और क्या क्या initiatives हैं? बहुत से हैं. Whatever you have in your mind, do let me know in the comment section. इस particular session के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको ये session अच्छा लगा होगा, चीजें clear हो गई होंगी. Hardly 5 minutes लगेंगे, वापस से recall कर लेना, याद कर लेना, चीजें अभी done and dusted हो जाएंगी. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care, good luck, good wishes. This is your mentor Arsu Kakkad signing off. Happy learning, all the best. Thank you.